राम भरोसे और एट गॉड्स मर्सी, स्ट्रांग वर्ड्स बाय द अलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉलर टाउन्स एंड विलेजेस इन उत्तर प्रदेश. एनडीटीवी सौरभ शुक्ला रिपोर्ट्स फ्रॉम मेरठ ऑन द ट्रेजिक केस दैट प्रॉम्प्टेड द कोर्ट स्टिंगिंग रिब्यूक ऑन द हेल्थ केयर इन उत्तर प्रदेश. इमेजेस फ्रॉम द 4th ऑफ मई. 36-year-old श्वेता शिवांगी desperately searching for her father at the Meerut Medical College. Shweta admitted her 67-year-old father, Santosh Kumar, to this hospital on the 21st of April. Till the 2nd of May, Shweta was told her father's treatment was progressing and that his oxygen level was 89. Listen to this recording of May 2, in which Shweta was informed that her father was admitted to the ICU too. But the truth was shocking. Santosh Kumar had died on the 22nd of April. The hospital register states that Santosh Kumar's body was found in the bathroom. On the 23rd of April, Santosh's body was cremated in the unknown category. For 10 days, his family was falsely led to believe that he was alive and in the ICU. हमने CMO को भी फोन किया, बोला ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं है, अब वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बालियान सर, और उसके बाद अब कह रहे हैं मिल ही नहीं रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता. मुझ पर रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, बालियान सर से भी मैंने बात करी जाके, तो उन्होंने कोई अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया. बोले हम अभी देख रहे हैं, हो सकता है चले गए हो, पेशेंट चले जा रहे हैं, FIR करा दीजिए, मिल जाएंगे. कुछ पता नहीं चल रहा है. CCTV के लिए बोला तो कुछ ऐसा बोला, हाँ हम दिखवाएंगे, अभी हमें हमारे पास ज्यादा दिन की फुटेज नहीं होती है. A probe was ordered in the case and a doctor, a nurse and two ward boys were found guilty. Instead of suspension, they were let off after deducting 1 month's salary. प्रथम दृष्टया में उस समय जो टीम लीडर थे, जिनके समय एडमिशन हुआ था, जो सिस्टर इंचार्ज उस समय जो कर रही थी दोनों दिन के, उनके खिलाफ उनके कुछ के वेतन वृद्धि रोक दी गई और वेतन जो कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ था उसका 1 महीने का वेतन काटा गया. हम इस वक्त मेरठ के मेडिकल कॉलेज के बाहर हैं. इतना बड़ा मामला हुआ कि हाई कोर्ट तक ने फटकार लगाई प्रदेश को और कहा कि राम भरोसे है यहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया. कुछ लोगों को चेतावनी दी गई है और कुछ लोगों की वेतन वृद्धि यानी उनकी सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है उसे रोक दिया गया है. सस्पेंशन किसी का नहीं हुआ है. तो हालात ये हैं कि जवाबदेही भी तय करने के नाम पर सिर्फ लीपापोती की गई है. सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ मेरठ में सौरभ शुक्ला, NDTV.